हम वोट उसी को देंगे जो सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन करेगा। अहीर रेजिमेंट भाई, इन्होंने अहीर रेजिमेंट के लिए अब तक किया क्या है? क्या कोई रैली होगी इलेक्शनों के समय या कुछ होगा? नेताओं के भी रास्ते रोकने का कार्य किया जाएगा। कोई भी नेता इस चीज को लेकर अभी गंभीर नहीं हुआ कि इस मांग को हम किस तरह से सिरे चढ़ाए। यात्रा हमने निकाल ली, सब चीजें तो हमने कर ली, पर अब तक कहीं ना कहीं सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और हम हिंसा हम करना नहीं चाहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम गुरुराम के खिड़की दोला टोल प्लाजा के सामने, जहां पर अहीर रेजिमेंट का धरना अनिश्चितकालीन 4 फरवरी 2022 से चल रहा है, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर अहीर रेजिमेंट की मांग सेना में बने इसको लेकर हर जगह, यहां पर हमारे साथ अरुण जो मौजूद है, इन्होंने आवाज़ को उठाया। अरुण, आपका नव समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके नव समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लगातार जब से हम अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं तो आप लोगों ने हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया और इस मांग को आगे तक पहुँचाने में आप लोगों का बहुत प्रयास रहा है। इसके लिए हम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। अरुण जी, एक चीज़ आप देखें कि जब आप 2018 में, मुझे वो दिन याद है कि 2018 में आपने भूख हड़ताल की थी कड़ी धूप में बैठ के, तो उस पर भी थोड़ा सा आप अपना बताएं कि आज अहीर रेजिमेंट कहाँ पहुंचा है। एक दिन वो था जब कोई नहीं था, आपने उसकी शुरुआत की। देखिए, इस मांग की शुरुआत तो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है हरियाणा के अंदर, पर यहाँ से खिड़की दोला धरना स्थल से हमने 2018 में 23 सितंबर को आमरण अनशन करके या भूख हड़ताल करके इस मांग की शुरुआत की थी। और जब यहाँ से इस मांग की शुरुआत हुई थी तो एरिए के और आसपास के और स्टेटों से भी लोगों ने यहाँ लाखों के तादाद में आकर अपना समर्थन दिया था कि अहीर रेजिमेंट का गठन सेना के अंदर होना चाहिए, और कई पार्टियों से नेता भी आए थे जिन्होंने अपना समर्थन दिया था। उसके बाद समाज ने एक फैसला लिया था कि भाई हम एक प्रोग्राम दिल्ली जंतर मंतर पे करें, क्योंकि दिल्ली में अगर हम लोग इकट्ठे होंगे तो सरकार तक कहीं ना कहीं बात पहुँचने का प्रयास होगा। तब हमने दिल्ली जंतर मंतर पे प्रोग्राम किया था और हमारे केंद्र में मंत्री थे राव इंद्रजीत जी, वो भी आए थे, उनको हमने ज्ञापन दिया था और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के वहाँ भी ज्ञापन भेजा था कि अहीर रेजिमेंट के गठन जल्द से जल्द सेना के अंदर किया जाए, नहीं हम एक बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अच्छा, 23 तारीख को आपने फिर दोबारा से आह्वान किया है, पूरे हरियाणा से नहीं पूरे देश के अहीरों से और 36 ब्रादरों से भी आपने उस दिन कहा कि हम सबसे बोलते हैं कि इस बार शहीदी दिवस मनाने के लिए आए। शहीदी दिवस के पीछे अहीर रेजिमेंट की मांग भी है क्या? बिल्कुल, 23 तारीख को जो शहीदी दिवस हम मनाने जा रहे हैं उसमें हमने सभी स्टेट से और सभी जिले से अपने लोगों को यहाँ बुलाया है, क्योंकि अब इलेक्शन नज़दीक आ चुके हैं और जब इस धरने की शुरुआत की गई थी तो उस टाइम एक नारा लगाया गया था कि भाई, जब काफ़ी समय हो गया था, 5-7 महीने जब गुजर चुके थे, तो उस टाइम एक समाज ने नारा दिया था जब सरकार हमारी सुन नहीं रही थी कि भाई हम वोट उसी को देंगे जो सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन करेगा। और मेरा मानना ये है कि पिछले 2-2.5 साल से हम लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं, अनेकों नेताओं ने अलग अलग पार्टियों के आके लोगों ने अपना समर्थन दिया है, अनेकों मंत्रियों विधायकों ने, और लोग तो आप जानते हो कि तकरीबन कई लाखों लोगों ने आके पूरे देश से अपना अहीर रेजिमेंट के लिए अपनी सहमति जताई है, और अहीर अहीर नहीं पूरी 36 बिरादरी के लोगों ने आके और नेताओं ने आके हमारा समर्थन किया है, और कहीं ज्ञापन भी दिए गए हैं, कहीं चिट्ठी भी लिखी गई है, और पूरे देश के अंदर हमने इस मुहिम को चलाने का पूरा पूरा प्रयास किया, और कहीं ना कहीं इस मांग को हम हरियाणा से लेकर पूरे देश में यादवों तक ये मांग पहुँचाई है। और अब समय वो आ चुका है कि हमने अब फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि इलेक्शन अब नज़दीक है 2024 के, इसलिए हम 23 तारीख को शहीदी दिवस मनाने के बाद एक पूरी रणनीति तैयार करके, आपका एक नारा है कि जो अहीर रेजिमेंट बनाएगा वोट वही पाएगा। बिल्कुल, ये हमारा कल भी नारा था और ये नारा आज भी है हमारा। और लोकसभा सीट राव इंद्रजीत को द्वारा से मिल गई है। बिल्कुल मिल गई, उसके लिए हम उनको शुभकामना देते हैं। और हमारा जो 23 तारीख का शहीदी दिवस है उसके बाद हमारी यहाँ मीटिंग होगी, और 23 तारीख को पूरी सरदारी और हमारी पूरी टीम बैठ के पूरी रूपरेखा तैयार करेगी कि आगे से आगे आंदोलन इसको कैसे चलाना है, किसको वोट करना है, क्या हमने अपनी मांग रखनी है,
कैसे हमें इस चीज़ का विरोध जताना है कि आगे हमारी इस मांग को आगे हम कैसे बढ़ा पाए। एक चीज़ और, जैसे आप देख रहे हैं कि इस बार आपने जब पिछली बार जब 2022 में आपने जो कार्यक्रम किया था जिसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग बाग पहुँचे यहाँ पर, तो एक चीज़ समझ में आई कि जब महिलाएं भी बहुत हुई, अब थोड़ा सा महिलाएं दूर हो रही हैं और अहीर भी दूर हो रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है? क्या वास्तव में दूर हो रहे हैं या फिर सभी लोग अपने खेतों में खलिहान में काम कर रहे हैं या फिर कुछ राजनीति के चक्कर में आप सामने नहीं आ रहे हैं? देखिए, कुछ समय वो समय ऐसा था कि अहीर रेजिमेंट के लिए जब हमने धरने की शुरुआत की थी तो सब लोगों से हमने अपील की थी और सब लोग उस समय यहाँ पर पहुँचे थे और तमाम नेतागण यहाँ पर पहुँचे थे। लोग लगातार, हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो पूरे हरियाणा से लोग यहाँ आते हैं और स्टेट से भी लोग आते हैं, पर उस टाइम इस मांग की शुरुआत यहीं से हुई थी तो पूरे देश का यादव लोग यहाँ इकट्ठा हुआ था। उसके बाद ये मांग हर स्टेटों में जा चुकी है। अब आप देखोगे तो कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि किसी ना किसी स्टेट में अहीर रेजिमेंट को लेकर प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं या रैलियाँ नहीं निकाली जा रही है। और अब आज का समय ऐसा है कि चाहे देश के किसी कोने पे यादव बैठा हो, सब तक इस मांग को पहुँचाने में हम पूरी तरीके से कामयाब हो चुके हैं। आपको उम्मीद थी 2018 में कि आप एक इतनी बड़ी पांडाल लगाएंगे, लाखों लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे और भले ही आपका अहीर रेजिमेंट बने ना बने, क्या ख्याल लेके सोचा था आपने जब आमंत्रण किया? देखिए, हमें बिल्कुल उम्मीद थी क्योंकि ये मांग हमारी काफ़ी वर्षों पुरानी है। मैंने कहा पहले भी इस मांग को उठाया गया था, पुरखा लोग बड़े बूढ़े करते रहे, पहले एक दो बार दो तीन बार इस मांग को उठाया भी गया। हमारी ये सोच थी कि पूरा अहीर समाज को इस चीज़ का पता है कि अगर चाहे देश में आज़ादी के पहले की बात हो चाहे आज़ादी के बाद की बात हो, अगर सबसे ज़्यादा किसी ने कुर्बानी किसी कौम ने दी है इस देश के लिए तो वो अहीरों ने दी है। क्योंकि आज़ादी से पहले मैं बार बार कहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो फौज थी, आज़ाद हिंद फौज, आप यहाँ किसी गांव में आप जाके देखो कि ऐसा एक भी गांव ना मिलेगा जिसमें दो दो चार चार लोग उस आज़ाद हिंद फौज में ना हो। आपने बिल्कुल, आपने 1857 का युद्ध भी देखा होगा जो नसीबपुर में हो, कितने सैनिकों ने रावतुल्लाह राम जी के नेतृत्व में 5000 सैनिक एक दिन में शहीद हो गए थे। चाहे आपने 62 का युद्ध देखा होगा, अनेकों वीर गाथा हमारी कौम ने लिखी है। और जब 2013 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले बार जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, जब पहली रैली स्टार्ट की थी अब रेवाड़ी से, तो पूरे देश के अंदर एक जो वीर गाथा बताने का प्रयास किया गया था तो वो इसी अहीरवाल क्षेत्र से किया गया था। क्योंकि ये अहीरवाल क्षेत्र वीरों की धरती रही है, फौजियों की धरती रही है, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें यहाँ से लोगों ने अपनी शहादत ना दी हो। तो हमें पूर्ण विश्वास था कि इस मुद्दे के साथ हमारे साथ पूरे देश का यादव जुड़ेगा और ये मान सम्मान से जुड़ा हुआ हमारा मुद्दा है और इसके लिए सब यादव जुड़ने के लिए तैयार है। 23 तारीख की क्या प्लानिंग है, क्या रूपरेखा, क्या रूट मैप आपने तैयार किया आगे? कैसे लोगों को बुला रहे हैं? छत्तीस बरादरी आएगी या पर यादव ही आएंगे या पर राजनेताओं का भी इसमें निमंत्रण दिया जा रहा है? क्या कोई आपने इनविटेशन कार्ड बनवाया है? कैसे लोगों के बीच में आप संदेश दे रहे हैं कि 23 तारीख को बहुत से बहुत संख्या में लोग बाग यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, 23 तारीख के लिए हमने पहले मीटिंग की थी, मीटिंग में सब कार्यकर्ता को बता दिया गया था कि सब अपने अपने ज़िले में जाके इस चीज़ का प्रचार करें कि 23 तारीख को यहाँ खिड़की दौला धरना स्थल पर इकट्ठा होना है। और उसी पर्पज़ में हमने पिछले हफ्ते में संडे को यहाँ अपने 18 डाबर की जो गांव लगते हैं उनकी सबकी एक मीटिंग कार्यकर्ता जो अहीर रेजिमेंट से जुड़े हुए मेन मेन लोगों को बुला के और सबको दिशा निर्देश दिए थे कि सब लोग अपने मिल के जाके तैयारी करो और 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने का प्रयास करें। आज भी हमारी मीटिंग बास लांबी गांव में मंदिर पे हुई है, 5-7-10 गांव के लोग थे, सबको बुलाया गया था जो अहीर रेजिमेंट से जुड़े हुए कि सब लोग जाके मजबूती से इसका प्रचार करो और आने वाली 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग धरने पे पहुंच पाए उनको अपील की जाए और शहीदी दिवस के बाद कितने लोग आएंगे? देखो, अनुमान तो मैं आपको कोई बता नहीं सकता, पर तकरीबन हाँ काफ़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे होंगे क्योंकि अगले संडे की हमारी कोई आंकड़ा अनुमान? देखो, हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे होंगे क्योंकि 10,000 आ जाएंगे? नहीं नहीं, आप तो पता है कोई प्रोग्राम हम छोटा भी करते हैं उसमें भी 10,000 लोग तो उसमें भी आ जाते हैं। पर ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है और अब समय है, सबसे बड़ी बात है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अब समय है और साथ ही उन नेताओं से पूछने का भी समय है कि जब हम लोगों ने यहाँ भीड़ इकट्ठी करी, चाहे यहाँ की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, तो यहाँ तमाम नेता जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं
उन तमाम नेताओं ने यहाँ कर जब यहाँ भीड़ इकट्ठी थी तो सब लोगों ने आकर कहा था कि अहिर रेजिमेंट के लिए हम आपका समर्थन करते हैं और इस मांग को हम आगे तक पहुँचाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं वो समय आ चुका है कि उनसे भी कहा क्यों ना सवाल जवाब पूछे जाएंगे कि आपने अहिर रेजिमेंट को लेकर क्या प्रयास किए और क्या आप करने जा रहे हो। अच्छा, दूसरा ये कि अहिर रेजिमेंट को लेकर एक आरोप लगता आया कि अहिर रेजिमेंट आप बनाना चाह रहे हैं परंतु उसके साथ साथ आप राजनीति करना चाह रहे हैं। देखिए, राजनीति करने का तो हमारा कोई विषय ही नहीं बनता क्योंकि हम तो हमारी तो इतनी उम्र भी नहीं हुई है और जब हमने इस चीज़ की शुरुआत करी हम तो ना तो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं ना हम किसी नेता से जुड़े हुए हैं। हम तो अपने समाज के लिए पाँच छः साल होली कर तकरीबन जब से हम तो अपनी समझ जब से होश संभाले जब से हम अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और हमारे कोई राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा तो सीधा एक मकसद है कि हमारी रेजिमेंट बनाए चाहे कोई पार्टी बनाए हम उसका सपोर्ट करेंगे। अहिर रेजिमेंट की आप मांग निरंतर कर रहे हैं, लोकसभा सीट जो गुरुग्राम है वहाँ से अहिरवाल का एक बड़ा चेहरा जो कि राव इंद्रजीत जी हैं उनको टिकट भी द्वारा से मिल गया है, कल फाइनल हो गया। अब ये बताइए उनके बीच में आप क्या संदेश देंगे कि राव साहब आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप हमारे साथ में हैं या आप अहिरों के साथ में हैं या फिर आप सिर्फ अभी वोट लेने के लिए आ रहे हैं, कुछ तो आप लोगों के बीच में आपकी कमेटी ने कुछ डिसीजन लिया होगा। देखिए, अभी तो इस चीज़ पे कोई डिसीजन 23 तारीख को होगा कि हमने किस हिसाब से आगे किसको वोट करनी है किसको सपोर्ट करनी है वो तो 23 तारीख को यहाँ समाज बैठ कर कमेटी यहाँ डिसाइड करेगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने पहले जंतर मंतर पे प्रोग्राम किया था जब भी राव इंद्रजीत जी वहाँ पहुँचे थे उन्होंने अपना समर्थन दिया था और जब धरने पे भी राव इंद्रजीत जी आए थे उन्होंने अपना पूरा समर्थन अहिर रेजिमेंट को दिया था। वो मंत्री भी थे सरकार में थी तब भी वो आए थे और अब भी हमारी एक दो बार मुलाकात बीच में हुई है तो उन्होंने कहा भाई मैं इसमें प्रयासरत हूँ। पर कहीं ना कहीं अब लोगों को लगने लग गया कि एक प्रयास ठीक है वो अपने प्रयास से प्रयास कर रहे हैं फिर कहीं ना कहीं जितने भी नेता राव इंद्रजीत की बात नहीं यहाँ सुधा यादव भी आई है जो अब केंद्रीय बोर्ड की सदस्य है। हालांकि यहाँ से हमारे क्षेत्र से भूपेंद्र यादव भी मंत्री है वो हर हालांकि रेजिमेंट पर अब तक नहीं आए पर फिर भी कई बार लोगों ने जाके उनसे मिलने का प्रयास किया हम मिले भी है यहाँ से हम कई गांवों के लोग गए थे इकट्ठा होकर क्योंकि भाई यही रेजिमेंट की मांग है इसको आगे तक पहुँचाओ। और रेवाड़ी में भी जब आए थे तो कुछ लोगों हमारी पूरी टीम ने उनको रोकने का भी प्रयास किया था और उनके आगे ये मांग भी रखी थी पर उनकी तरफ से कोई इस चीज़ में जवाब नहीं आया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब तक चाहे राजस्थान से हमारे बालकनाथ जी हो कोई भी हो वो सब लोग यहाँ आए पर अब तक उस मुद्दे को लेकर वो गंभीर नहीं हुए जिस हिसाब से गंभीरता से इस मुद्दे को लेकर हाँ कोई भी नेता इस चीज को लेकर अभी गंभीर नहीं हुआ कि इस मांग को हम किस तरह से इसे सिरे चढ़ाए। अरुण जी, बड़ी एक दिलचस्प बात है कि जब किसान आंदोलन द्वारा से प्रारंभ हुआ तो चारों तरफ पुलिस प्रशासन ने निगरानी करना चालू कर दिया, जहां पर धरने चल रहे हैं कैसे दिख रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री 2 दिन पहले आए तब भी आपको हाउस में अपने घर में ही आपको कैद करके रखा, कैसे दिख रहे हैं सारी चीज़ें, क्या सही हैं, क्या वास्तव में आप उनके लिए कुछ ऐसा कर दोगे जिससे कि पुलिस को भय है। देखिए, जब हमने इस मांग की शुरुआत की थी तो हमने पूर्ण विश्वास था कि हमारे देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और हमें पूर्ण विश्वास था जब उन्होंने रैली करी थी मैं बार बार कहता हूँ बड़ी से कि हमें पूर्ण विश्वास था कि कहीं ना कहीं अब हमारी ये मांग पूरी होगी मान सम्मान ये हमें मिलेगा। पर कहीं ना कहीं अब हमें 2 से 2.5 साल यहाँ बैठे हो लिए अनेकों मुकदमे हमारे ऊपर लगा दिए गए हैं, पहले भी हमारे युवा बच्चों पर मुकदमे लगाए, उस मांग को अब तक 2.5 साल यहाँ हो चुके हैं, अब तक एक भी सरकार के किसी आदमी ने आके हमसे ये बात नहीं कही कि भाई हम आपकी मीटिंग करते हैं या आगे तक आपकी बात पहुँचाते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एक बार जब दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि एक बार फरवरी में हमारी मीटिंग मनोहर लाल जी खट्टर जी जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के उन्होंने एक बार हमें बुलाया था और हमारी मीटिंग हुई थी कमेटी की तो तब उनसे हमने बात रखी थी कि आप हरियाणा की विधानसभा से इस चीज़ को पास करके और ऊपर केंद्र तक भेजो और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि भाई मैं इस मांग को हरियाणा विधानसभा से भी पूरी पास करवाने की प्रयास करूँगा और आगे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन लिखूँगा और हो सकती तो आपकी एक टीम की मुलाकात भी कराएंगे और ये आपकी मांग जायज है हम इसका समर्थन करते हैं और अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। पर उस दिन के बाद अनेकों बार विधानसभा में भी ये प्रस्ताव उठा पर सरकार ने अब तक 2.5 साल हो चुकी है अब तक कोई शुद्ध अहिरों को लेने का प्रयास नहीं किया। आपने देखा होगा कि एम्स के लिए उद्घाटन के लिए रेवाड़ी वो
माजरा गांव में प्रधानमंत्री आए हुए थे, तो हम यहाँ लोग परेशान हो चुके हैं बैठे बैठे, क्योंकि अनेकों रैलियाँ हमने की, अनेकों ज्ञापन हमने लिखाए, हमारे नौजवान साथियों ने अपने खून से पत्र लिख के दिए, यात्रा हमने निकाल ली, सब चीज़ें तो हमने कर ली, पर अब तक कहीं ना कहीं सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। और हम हिंसा हम करना नहीं चाहते अब भाई, क्योंकि आपको पता है पिछले 2-2.5 साल से करीबन हम ये बैठे हो, पर अब तक किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि भाई इन लोगों ने किसी पे कंकरी भी फेंकी। हम शांतिपूर्वक कौम है, शांतिपूर्वक तरीके से अपना हक मांग रहे, ना कि देश का कोई नुकसान करना हम चाहते हैं, पर सरकार ने अब तक कोई संज्ञान में इस चीज़ को नहीं लिया। अगर प्रधानमंत्री जी, मैं कहता हूँ हिल रेजिमेंट का गठन कर देगा तो पूरा देश का यादव उनके पलकों पर बटा के रहेगा, वरना अब ये समय नज़दीक आ चुका कि आगे देखोगे कि जब कोई रैली होगी इलेक्शनों के समय या कुछ होगा, नेताओं के भी रास्ते रोकने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि सब युवा में जोश। आज भी हम जैसे पंचायत करके आए बासलाबी के अंदर, वहाँ लोग बैठे हुए थे, तो बहुत से लोगों ने ये बात किया क्यों ना इन नेताओं का को गाँवों में घुसने ही नहीं दिया जाए। अहिर रेजिमेंट, भाई इन्होंने अहिर रेजिमेंट के लिए अब तक किया क्या है? और या हमें अपनी मांग रखने के लिए किसी भी ऐसी मांग रखी जाए कि जो भी हमारा मैनिफेस्टो के अंदर अहिर रेजिमेंट को डालेगा हम उनका साथ देंगे। ये बात आज मीटिंग में लोगों ने उठाई, पर उसके लिए हम 23 तारीख को जब पूरा समाज इकट्ठा होगा, जो निर्देश होगा वो आगे की रूपरेखा करेंगे। और जो द्वार का 23 तारीख के लिए कोई अपील कर दीजिए। बिल्कुल, मैं 23 तारीख के लिए सभी लोगों को बात कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पहुँचे, क्योंकि अब समय आ चुका है, इलेक्शनों का समय है कि अब मांग हमारी जल्दी सरकार तक पहुँचेगी। और 23 तारीख को आप लोग यहाँ आओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचेगे, तो कहीं ना कहीं आवाज़ पूरे देश में भी जाएगी और ये बुलंद होने का कार्य जल्दी यही रेजिमेंट का गठन होगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, हमने देखा कि पूरा एरिया ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे। हमारे साथ संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा से हमारे बीच में अरुण यादव मौजूद हैं। जिस प्रकार से अरुण यादव ने बताया कि अहिर रेजिमेंट की मांग 4 फरवरी 2022 को उठी, उससे पहले 2018 में अरुण अनशन भी इन्होंने किया, भूख हड़ताल की, जिसमें कि सरकार को एक मैसेज देना चाहा कि जो हमारे पुरखाओं ने बलिदान युद्धों में और देश के हित के लिए दिया है, आज वह हक अहिरों को मिले, अहिर रेजिमेंट बनके मिले, जिससे कि आने वाली पीढ़ी और वर्तमान में जो जवान हैं उनको अहिर रेजिमेंट में उनको दर्जा मिले, जिससे कि वो और अच्छे से युद्ध लड़ें या देश के लिए कभी कोई ऐसी बात आती है तो सामने खड़े हों। उनका कहना है कि 4 फरवरी 2022 से अभी तक करीबन 18 से 19 सांसदों ने यहाँ पर आकर अपना समर्थन दिया था, 40 के लगभग यहाँ पर विधायकों ने समर्थन दिया था, परंतु आज बड़ा विषय ये है कि लोकसभा चुनाव सामने है, परंतु अभी तक सरकार के कान तक बात अहिर रेजिमेंट की पहुँची नहीं है, अभी तक कोई भी ऐसा संदेश अहिर रेजिमेंट के लिए नहीं उठा है, जबकि द्वारा से राव इंद्रजीत को टिकट मिल गया है। राव इंद्रजीत ने भी, सांसद ने अभी तक कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया है कि जब से कुछ बीते महीनों से कि अहिर रेजिमेंट बनेगा। उन्होंने जब भी इनकी कमेटी जाती है, उनसे बात होती है, तब उनका कहना होता है कि मैं आगे बात कर रहा हूं। अरुण यादव ने साथ में ये भी कहा कि भूपेंद्र यादव से भी मिले, सुधा से भी मिले, सबका एक ही कहना है कि आगे हम बात कर रहे हैं। पर गंभीरता से अभी तक कोई भी एक पत्राचार का संयुक्त अहिर रेजिमेंट को संदेश सरकार की तरफ से नहीं मिला है, तो उनका कहना है कि जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अपील की है कि 23 तारीख को अगर अहिर रेजिमेंट का हक लेना है तो पूरे देश के अंदर से सभी अहिर इकट्ठे हों और सरकार को दिखाएं अपनी ताकत, शक्ति प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से, जिससे कि अहिर रेजिमेंट की मांग को पूरा हो इस लोकसभा चुनाव में ही, हमें विधानसभा चुनाव तक अहिर रेजिमेंट का धरना ना चलाना पड़े। कैमरामैन शोभित के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुराम, धन्यवाद।